पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाके है एक ऐसा शहर जिसे कहा जाता है सियासत का बहर। जो शहर कभी चांडका के नाम से था जाना जाता, जहां कभी सिंधु तहजीब को था माना जाता। जिस पर कायम आज भी है सकाफत का हर रंग पुराना, वो है सिंध का तारीखी शहर लाड़काना। ये शहर माजी के कई रंगों में परवान चढ़ा, आबादी के एतबार से है सिंध का चौथा बड़ा। लाड़काना की शाही चार तहसीलों से है बनी, लाड़काना, बाकरानी, रत्तो डेरो और चौथी है डोकरी। ये सरजमी बोलती है सियासत की बोली, यहीं तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने थी आंख खोली। इसी लीडर ने पाकिस्तान का पहला मुत्तफिका आयन दिया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इस्लामी कॉन्फ्रेंस में एक किया। लाड़काना से कुछ ही मील दूर वाके गांव गढ़ी खुदा बख्श का है एक खास मयार। इसी गांव में आज जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर शहीद का है मजार। वो बेनजीर के जिसने राहे सियासत में नाकाबले फरामोश मंजिलें पाई, यही तो हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड की पहली खातून वजीर आजम कहलाई। बहुत सी खिदमात ने इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाया, हजारों देहातों को बिजली की रौनक से जगमगाया। बेवाओं के महाना वजीफे से जिंदा है आज भी इनका नाम, इन्हीं की बदौलत हुआ खवातीन के मसाइल को हल करने के लिए खवातीन वजारत का कायम। यहां का एक मशहूर होटल संबारा, जो मशहूर जमाना संबारा के नाम पर था, तामीर हुआ। जिस खूबसूरत दरवाजे को था खास शरकपुर से मंगवाया, उसे था जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहीं पर लगवाया। शहर के ऐन वस्त में लाड़काना रेलवे जंक्शन पूरे मुल्क को है एक पटड़ी पे लाता। लाड़काना से चंद किलोमीटर की मसाफत पर वाके 5000 हैंडीक्राफ्ट्स उम्दा रिवायात और सिंधी तहजीब की अकासी करता है यहां का सूर्या बदर बाजार। यहां की ईद मस्जिद है मुनफरिद और लाजवाब तर्ज तामीर का शाहकार। लाड़काना को ना सिर्फ कदीमी यादों का एजाज कहा जाता है, बल्कि जुल्फिकार बाग, जिना बाग, शाहनवाज भुट्टो पार्क, बेगम नुसरत भुट्टो पार्क और रियाली बाग की बदौलत इसे सिंध का शिराज भी कहा जाता है।
इस शहर ने सिर्फ सियासत का खेल नहीं खेला बल्कि सिंध में स्पोर्ट्स का आगाज भी इसी जिला से हुआ। इसका सबूत लाड़काना क्रिकेट स्टेडियम की शक्ल में है साफ नजर आता। बहुत सी अहम शख्सियत का है इस जिला से गहरा वास्ता। भगवान दास, मुमताज भुट्टो, आबिदा परवीन और सोहा अली अबड़ो का जुड़ा है यहीं से नाता। लाड़काना के रवायती खानों में है इनफरादियत जरूर। यहां चावल की रोटी और बह तो हैं इंतहाई मशहूर। यहां की सौगात अमरूद में है जो बात सबसे जुदा, वो है इसकी गर्दन जो है सुराही नुमा।